Hello, my name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today, I explain to you about clause. This is my English grammar, this is my English magazine. With the help of this, I explain to you about the English grammar topic that is very important, that is clause. What is the clause? The question is, what is the clause, its type, and how clauses used in a sentence? What is a clause? क्लोज किसे कहते हैं? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लोज क्या है? क्लोज ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कंटेनिंग, जिनमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. It is different from a phrase which does not include a subject and a verb. ये different है phrase से which does not include, क्योंकि उसमें नहीं होता subject और verb, नहीं होते. Clause में ये दोनों पाए जाते हैं. A clause is a comprised of a group of words which includes a subject and a finite. A clause contains only one subject, one verb. The subject of a clause mentioned or hidden, but the verb not be appeared and distinguished. A clause is a group of words containing a subject and a aggregate and functioning as a member of a complex or compound sentence. Group of words hai, clause hai kya? What is a clause? Clause is a group of words containing subject and verbs. Clear? How many types of clause? Clause ke kitne types hai? I am explaining to you about the types of clause. Principal clause, subordinate clause, coordinate clause. But the main thing is, clause is dependent and independent. What is the dependent clause? What is the dependent clause? Dependent clause किसे कहते हैं? और ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन ए सेंटेंस? व्हाट डिपेंडेंट क्लॉज डू इन द सेंटेंस? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ डिपेंडेंट clause? Now I explain to you all about the dependent clause. Now आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको लगे कि आपके लिए जो क्लॉज है वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाए. अ सेंटेंस विच हैज़ मोर देन वन सेंटेंस, इट इज एवरी सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ क्लॉज. ऐसा वाक्य जो किसी बड़े वाक्य का हिस्सा होता है, ऐसा वाक्य जो किसी बड़े
वाक्य का हिस्सा होता है क्लॉज कहलाता है। इसमें भी अपनी मुख्य क्रिया होती है, इसमें अपनी मेन वर्ब होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं तो वो किसके, और प्रत्येक वाक्य को क्लॉज कहते हैं। वो किस लिए है? वो सारे वाक्य जो मिले हुए हैं वो क्लॉज है, यानी एक सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और उनकी अपनी मुख्य मेन वर्ब होती है। और ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से अधिक वाक्य मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो स्वयं अपना पूर्ण अर्थ देता है, अर्थात मीनिंग इन अदर वर्ड्स दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करता, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, तो ऐसा सेंटेंस जो स्वयं अपना पूर्ण मीन फुल मीनिंग देता है उसे, और दूसरे सेंटेंस पर वो निर्भर नहीं होता, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सिंग ए सॉन्ग, यू राइट ए लेटर, तो दीज एग्जाम्पल फॉर द प्रिंसिपल क्लॉज। अब सिंग ए सॉन्ग किसी पे निर्भर नहीं है, उसकी अपनी वर्ब है। यू राइट ए लेटर, वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अनदर सेंटेंस पे। He said that they were working in the field. And now, उपयुक्त वाक्यों में सेंटेंस अपना अर्थ पूर्ण रूप से दे रहा है, स्वयं दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। अब मैं आपको बताऊंगी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो स्वयं अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता, अर्थात अपने अर्थ के लिए उसे दूसरे सेंटेंस पर निर्भर, अपने अर्थ के लिए वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यू नो दैट आई सिंग ए सॉन्ग, अब दो सेंटेंस है ना, तो ये क्लोज बना, कौन से वाला? सबऑर्डिनेट। यू नो दैट आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसी में जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है जब तक आई सिंग ए सॉन्ग ये नहीं जोड़ेंगे, ये दूसरा वाक्य है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। When he came, जब वो आया, I was sleeping, तो ये भी सेंटेंस में अपना मीनिंग दूसरे वाक्य के साथ मिलकर दे रहे ना, तो वो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग, जब वो आया तब मैं सो रहा था। ही सेड दैट दे वर वर्किंग इन द फील्ड, उसने कहा दे वर वर्किंग इन द फील्ड, तो ये दूसरे सेंटेंस पर क्या डिपेंड कर रहा है ना, तो ये क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। As soon as I reached home, my friend came. अब आपको क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो दूसरे सेंटेंस पर, दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं है वो दूसरे सेंटेंस पे, और अपना फुल मीनिंग दे रहा है, ठीक। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है और उससे मिलकर अपना मीनिंग दे रहा है सेंटेंस का। नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू, मैं फिर से आपको बता रही हूँ डेफिनेशन में
किसी बड़े वाक्य में, यानी किसी बड़े सेंटेंस के वे छोटे छोटे वाक्य, वे छोटे छोटे सेंटेंस जिनमें एक बड़ा वाक्य सेंटेंस बना होता है, तो उसे हम क्लोज कहते हैं। इन वाक्यों की अपनी एक मुख्य क्रिया है, यानी मेन वर्ब होती है, और ऐसे सेंटेंस को क्लोज कहते हैं। इफ देयर इज मोर देन वन सेंटेंसेस व्हिच मेक्स अ लार्ज सेंटेंस एंड दीज स्मॉल सेंटेंस हैव अ मेन वर्ब देन ईच सच सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लोज। A clause, a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence. Clear? अब मैंने आपको बड़े अच्छे से English में भी बताया और हिंदी में भी बताया, और खूब सारी मैंने आपको इसके वो भी दिए, examples भी दिए। जैसे when you said was right, what you said was right, write carefully what she tells, he said that they were working in the field, this is the book which I like most। तो इस तरह से सेंटेंस का अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्वयं नहीं देते, तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं जो नाउन के रूप में कार्य करते हैं। अब सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज पांच प्रकार के अलग अलग से हैं। कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। देयर आर मैनी। अगर मैं एक एक को भी बताऊंगी तो भी बहुत सा टाइम लूंगी आपका। हम आराम से करेंगे एडवर्ब क्लॉज, ये सारे जितने भी हैं, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। टू क्लॉज, कितने क्लॉज होते हैं एक सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज क्या काम करता है, इस तरह से ऑल द थिंग्स अबाउट द clause I discuss to you with the help of this magazine. Thank you.